हेलो एवरीबदी आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कम्युनल वायलेंस इंक्वायरी कमीशन एंड रिकमेंडेशंस जब भी कम्युनल वायलेंस का कोई भी केस सामने आता है तो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे पहला रिस्पांस यही होता है कि वो एक इंक्वायरी कमीशन बिठाए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सबसे ज़्यादा दुविधाजनक सिचुएशन वही होती है जब कम्यूनल वायलेंस के बाद में जो विक्टमाइज कम्यूनिटी है उसके फेथ को री करना होता है वायलेंस के द्वारा जो सोसाइटी के ऊपर असर छोड़ा जाता है उस चीज़ को हील करने के लिए कमीशन्स को सेटअप किया जाता है जब भी कम्युनल वायलेंस का कोई भी मुद्दा सामने आता है तब एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जाते हैं उनमें से ही एक स्टेप होता है कमीशन सेट करना ताकि जो सिचुएशन है उसे नॉर्मल किया जा सके साथ ही साथ जो लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट है और जो कॉन्फिडेंस है उसे रीगेन किया जा सके इंक्वायरी कमीशन को भी असाइन किया जाता है जो कि प्रेजेंट करते हैं डिपेंडेबल डेटा को जो कि कम्युनल वायलेंस के साथ में आइडेंटिफाई किया जाता है इंक्वायरी कमीशन को सेट करने का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि एक इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके साथ ही साथ सोसाइटी का जो भरोसा है स्टेट में उसे वापस से रिस्टोर किया जा सके इंडिया में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि बताती हैं कि जो कमीशन्स हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फ़ेल हुई हैं ऐसा है इसलिए क्योंकि कमीशन्स के द्वारा डीले किया जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा समय लिया जाता है किसी भी फाइंडिंग तक अराइव करने में एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो 2013 तक 40 इंक्वायरी कमीशनस को अपॉइंट किया जा चुका है इंडिपेंडेंस से लेकर 2013 तक कम्युनल वायलेंस के लिए करीब 40 इंक्वायरी कमिशंस को अपॉइंट किया जा चुका है इन कमीशन्स को असाइन किया गया था कि ये इंक्वायरी करें कम्युनल वायलेंस के मेजर पोर्शन में जहां दो ग्रुप्स जो कि डिफरेंट कास्ट या फिर रिलिजन के हैं वो इन्वॉल्व थे अभी तक जो 40 कमिशंस को अपॉइंट किया गया है उनमें से जो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स हैं ए वो सिर्फ ग्यारह कमीशनस के लिए ही एक्सेसबल हैं सिर्फ 14 ऐसी कमीशन्स थी जिनके द्वारा एक साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया था बाकी सभी कमीशन्स के द्वारा दो साल से लेकर आठ साल तक भी लगाए गए हैं रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए इस वीडियो में हम जो कमीशन्स को कवर करने जा रहे हैं वो हैं जस्टिस जोसेफ विधायथल कमीशन थैलेसरी राइड इन 1971, जस्टिस नानावटी कमीशन दिल्ली रॉयड इन 1984 जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन बॉम्बे रायट, 1992-93, जस्टिस नानावती मेहता कमीशन गुजरात पोग्रोम, इन 2002, जस्टिस थॉमस पी जोसेफ कमीशन मराठ रायट, इन 2003, जस्टिस जोसेफ विथाइथल कमीशन थलेशसरी रायट, इन 1971, जस्टिस जोसेफ की कमीशन को अपॉइंट किया गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा ऑन फोटीन फेबररी 1972 जो डिस्टरबेंसेस थैलेसरी में हुए थे उस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था साथ ही साथ इस कमीशन को ये भी देखना था कि थैलेश्री के अलावा जो डिस्टरबेंसेस कॉज हुए थे कन्नौड डिस्ट्रिक्ट में उन्हें भी यहाँ पर जस्टिस जोसेफ की कमीशन के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाना था साथ ही साथ कमीशन को ये भी बताया गया था कि उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा क्या मेजर्स लिए गए थे और पुलिस के द्वारा क्या किया गया था ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए और इसे प्रिवेंट करने के लिए साथ ही साथ कमीशन से ये भी कहा गया था कि उन्हें अपना रिकमेंडेशन देना है कि आगे से ऐसे सिनेरियो को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है कमीशन ने केसेस को इन्वेस्टिगेट किया हिंदूज़ के मन में ये फीलिंग्स थी कि जो मुस्लिम लीग है जो कि एक पार्टनर है यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का उसके द्वारा अपनी पोजीशन को अब्यूज़ किया जा रहा है साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कनेक्शन पाया गया था कि उनके द्वारा कम्युनल हेटरेट को फैलाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा प्रेशर बनाया गया था जिसका रिज़ल्ट था कम्युनल डिस्टर्बेंसेस कमीशन के द्वारा इस बात को रिकॉर्ड किया गया था कि जो फर्स्ट फेज़ था डिस्टरबेंस का वो प्री प्लैंड था हिंदू कम्यूनलिस्ट के द्वारा उसकी सब्सिक्वेंट स्टेज ये थी कि जो मुस्लिम्स थे उनने इस बात को काउंटर किया था और थर्ड स्टेज में हिंदूज़ के द्वारा फिर से रिप्राइजल किया गया था कमीशन का ये भी कहना था कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा सफिशेंट मेजर्स नहीं लिए गए थे लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा ऐसी कोशिश नहीं की गई थी कि इस सिचुएशन को प्रिवेंट किया जा सके या फिर इसे बेटर वे में डील किया जा सके जस्टिस नानावटी कमीशन दिल्ली रायट, इन 1984। जस्टिस नानावटी कमीशन को इंक्वायरी के लिए अपॉइंट किया गया था 8 मई 2000 के दिन इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो वायलेंस और राइट्स किए जा रहे हैं सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट उनके पीछे कॉज क्या है ये जो वायलेंस है ये सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट हो रहा था जिसे दिल्ली में और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी देखा जा रहा था थर्टी फर्स्ट अक्टूबर के बाद से साथ ही साथ कमीशन को ये भी आदेश दिया गया था कि वो इस बात पर भी ध्यान दें कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या लिए गए हैं इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए और इस सिचुएशन के साथ में डील करने के लिए और साथ ही साथ कमीशन से उसकी रिकमेंडेशन भी मांगी गई थी यहाँ पर जो नीट थी जिसकी वजह से अपॉइंट किया गया था नानावटी कमीशन को ये तब सामने आई जब सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट से ये डिमांड सामने आई थी पर्टिकुलरली जो सिख कम्युनिटी थी उनकी ऐसी डिमांड थी कि यहाँ पर जो वायलेंस और अथॉरिटी का अब्यूज़ किया गया है इस बात के लिए इंक्वायरी होनी चाहिए जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन थी जिसे सेटअप किया गया था इससे पहले इसी मैटर को देखने के लिए उसके द्वारा रिपोर्ट को सबमिट किया जा चुका था और बाकी मैटर्स को आगे आने वाली कमिटी के भरोसे छोड़ दिया जा चुका था और इसी वजह से जो नानावटी कमीशन है इसे अपॉइंट किया गया था जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन बॉम्बे राइट्स 1992-93 जो श्री कृष्णा कमीशन है उसे इंक्वायरी के लिए अपॉइंट किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी 1993 नाइन्टी थ्री के दिन ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके उन सर्कमस्टेंसेज को इवेंट्स को और इमीडिएट कॉज़ को जो कि बॉम्बे पुलिस कमिश्नरेट एरिया में हुए थे कमीशन को इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि वो इस बात को पता कर सके कि ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं ये किसी इंडिविजुअल की वजह से हुए हैं किसी ग्रुप की वजह से हुए हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुए हैं 1995 में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उन्हें एक्सपेंड किया गया था शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया गया था मुंबई ब्लास्ट को भी जो कि मार्च 1993 में हुए थे जनवरी 1996 में इस कमीशन को रद्द कर दिया गया था बीजेपी सेना गवर्नमेंट के द्वारा इस ग्राउंड पे कि इस कमीशन के द्वारा बहुत ज़्यादा समय ख़राब कर दिया गया था रिपोर्ट को देने में इस कमीशन को दोबारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था मे 1996 में क्योंकि सिविल ग्रुप्स की तरफ से प्रेशर आ रहा था और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी लेटर लिखा गया था स्टेट गवर्नमेंट को कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू किया जाए जस्टिस नानावती मेहता कमीशन गुजरात प्रोग्राम इन टू नानावटी मेहता कमीशन को इंक्वायरी के लिए अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट में जो कि ट्वेंटी सेवन्थ फेबररी टू थाउजेंड टू के दिन हुआ था लेटर ऑनवर्ड्स यहाँ पर जो गुजरात प्रोग्राम टू थाउजेंड टू का इंसिडेंट था इसे भी इसमें इंक्लूड किया गया था ताकि इसमें भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सके ये जो कमीशन है इसे अपॉइंट किया गया था सिक्स मार्च टू थाउजेंड टू के दिन इस कमीशन में के जी शाह जो कि एक रिटायर्ड गुजरात हाई कोर्ट जज थे सिर्फ इन्हें ही अपॉइंट किया गया था बाद में इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसमें जी टी नानावटी को भी इंक्लूड किया गया था जी टी नानावटी एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये कहना था कि जो शाह थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थे गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के शाह की डेथ के बाद 2008 में जस्टिस अक्षय मेहता को अपॉइंट किया गया था उनकी जगह पर इनिशियली इसका स्कोप ये था कि जो फैक्ट्स सरकमस्टेंसेस और इवेंट्स थे जिसकी वजह से जो साबरमती एक्सप्रेस है उसमें आग लगी थी उसे यहाँ पर पता करना था पर जैसे ही जब यूपीए गवर्नमेंट पावर में आई सेंटर में जो स्कोप था इस कमीशन का उसे वाइड कर दिया गया साथ ही साथ इसमें इन बातों को भी जोड़ दिया गया कि जो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे उनका क्या रोल था क्या कंडक्ट था इस सिचुएशन में और जो बाकी मिनिस्टर्स थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उनका क्या रोल था पुलिस ऑफिसर्स का क्या रोल था जो बाकी इंडिविजुअल्स थे उनका क्या रोल था और जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या कर रही थी जस्टिस थॉमस पी जोसेफ़ कमीशन मराद रायट 2003 गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा अपॉइंट किया गया था जस्टिस थॉमस पी जोसेफ को इंक्वायरी करने के लिए उन इंसिडेंट्स में जो कि हुए थे मराद बीच पे ये इंसिडेंट्स मराद बीच कोजीखोड़े केरला में सेकेंड मे 2013 के दिन हुए थे 14 लोगों को मार दिया गया था दो सेपरेट इंसिडेंट्स में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्लैश में जो कि पहले जनवरी 2002 में हुई थी और दोबारा मई 2003 में हुई थी जस्टिस जोसेफ कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बुलाया जाना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके इस कॉन्स्परेसी में जिसमें फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस और टेररिस्ट भी इन्वॉल्ड थे थॉमस पी जोसेफ कमीशन के द्वारा थ्री लेवल इंटरविनिंग मेजर्स को लिया गया जिससे ऐसे इंसिडेंट्स को फ्यूचर में होने से रोका जा सके और वो थ्री लेवल्स थे आइडियोलॉजिकल मेजर्स पॉलिटिकल मेजर्स और लीगल मेजर्स इन कुछ कमीशनस पर नज़र डालने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि जुडिशल कमीशनस को कॉन्स्टिट्यूट करना एक रिचुअल बन गया है जो कि लेजिस्लेचर करता ही है हर एक कम्युनल डिस्टर्बेंस के बाद अभी तक फोर्टी कमीशनस को अपॉइंट कर दिया गया है ताकि इंक्वायरी की जा सके कम्युनल राइट्स के मैटर में और टोटल थर्टीन कमीशन रिपोर्ट्स ऐसी हैं आज तक भी जो कि मिसिंग है